हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है, उसका टॉपिक ये है कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है जो आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, पर जो होने वाला है वो हम देखेंगे कि किस्मत में क्या लिखा है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या वो ठीक होगा और आगे क्या सिचुएशन होगा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हमारे पास ये पाइल वन और पाइल टू है और इसमें मैंने रैंडमली डाला है। मींस जैसे ए है पाइल वन में तो बी पाइल टू में है, सी पाइल वन में है तो डी पाइल टू में है। तो आप इनमें से जो भी आपका नाम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है, साथ में आपके सरनेम का भी लेटर हो सकता है। अगर सरनेम का आपका फर्स्ट या फर्स्ट लेटर जो है वो होगा तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाम का फर्स्ट लेटर या फिर सरनेम का लेटर, तो जो भी आपको रेजोनेट होगा उसी को लीजिएगा। तो आपका नाम आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको टाइम स्टैम्प्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, और होगी भी तो कुछ पॉइंट्स रेजोनेट होंगे, सारे पॉइंट्स नहीं रेजोनेट हो सकते क्योंकि सबके सिचुएशन अलग अलग होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो मैं आपके रीडिंग में मिलती हूँ, पाइल वन देन पाइल टू। सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है, जिनके नाम का जो अक्षर है वो ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू और डब्ल्यू वाई से शुरू होता है। तो हम देखते हैं कि आपके किस्मत में क्या लिखा है। जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने ग्रुप वन चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है। तो हमें जो कार्ड्स आए हैं वो है टेन ऑफ हार्ट, फोर ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट और है यहाँ जैक ऑफ स्पेड, टू ऑफ क्लब्स और थ्री ऑफ हार्ट। तो आपके किस्मत में क्या लिखा है, यहाँ पर है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर्क वृश्चिक मीन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और वृषभ कन्या और मकर और एरीज लियो और सेजिटेरियस। तो यहाँ पर है मेष सिंह और धनु। तो आपकी किस्मत में जो भी लिखा है ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा लिखा है, क्योंकि यहाँ एंड में जो आया है थ्री ऑफ हार्ट। आप हो सकता है आप जिस पर्सन से सोचे होंगे मैरिज के बारे में, उससे आपकी मैरिज नहीं हुई होगी पास्ट में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड या आपके अंदर कुछ गुस्सा भरा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके पास्ट में मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है या फिर कुछ सेपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत हर्टफुल हैं या आपने किसी आपके लाइफ में कुछ लॉस हुआ है रिलेटेड टू मैरिज हो सकता है, रिलेटेड टू फुलफिलमेंट भी हो सकता है, वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, कि हो सकता है कि आपने जैसा चाहा था वर्क में वैसे टाइप का सिचुएशन नहीं बना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा थोड़े परेशान रहे पास्ट में। पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि इन फ्यूचर आपको ऐसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और साथ में यहाँ पर हो सकता है आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो वर्क में हो, मैं इसकी भी बात करूंगी, लव की भी बात करूंगी, क्योंकि इन कार्ड्स में लव और करियर दोनों का ही आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी पार्टनरशिप में आप वर्क कर सकते हैं या फिर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप जो अनसेटिस्फाइड से फील कर रहे थे वो सारी चीज़ें ठीक होगी। और रिलेटेड टू रिलेशनशिप जो है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ पार्टनरशिप होने वाली है। बेसिकली जो है ये मैरिज पार्टनरशिप हो सकती है जिसमें आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, पार्टनरशिप होगा और जिस पर्सन से आप मिलेंगे उसके साथ आप एक बॉन्ड फील करेंगे, आप दोनों के बीच में जो फ्रेंडली कनेक्शन वो बहुत ही अच्छा होगा।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपके मैरिज टूट गई हो, या फिर आपकी मैरिज फिक्स हुई हो उसके बाद टूट गई हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान रहे होंगे। पर अब यहाँ पर सब कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको फैमिली की तरफ से ही कोई ऑफर आया, फैमिली मीन्स अरेंज मैरिज का भी ऑफर आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हमें एस ऑफ हार्ट आया। हो सकता है आपके फैमिली से ही कोई हो जो कि आपके लिए कोई रिश्ता आए, ऐसे टाइप का भी हो सकता है। कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर डेफिनेटली होने वाला है, या तो आपकी रियूनियन हो जाएगी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उससे, अगर आप दोनों ही अनमैरिड हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई एक नया पर्सन आएगा जो आपके लाइफ में खुशियाँ लाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए कितने सारे यहाँ हार्ट कार्ड्स हैं जो कि एक पॉजिटिविटी की तरफ रीडिंग को ले जा रहे हैं। साथ में यहाँ जो फोर ऑफ डायमंड आप देख सकते हैं वो एक स्टेबिलिटी को बता रहा है, बहुत स्टेबल होने वाला है। और अब आप पास्ट के चीज़ों को भूल के आगे की तरफ देखिए। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप ये जो थॉट है इससे बाहर निकलेंगे। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, आपके वर्क में स्टेबिलिटी आ जाए, फिर आप अपने घर वालों की मर्जी से मैरिज करना चाहते हैं। पर यहाँ पर जो है ऐसा मुझे दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा आपके लाइफ में कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो हम टैरो कार्ड से भी देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज किया है उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है, उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा है। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, सेकंड है फोर ऑफ सोर्ड्स, और थर्ड है एम्प्रेस। फोर्थ कार्ड है हमें थ्री ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स और डेविल। तो ये जो कार्ड्स हैं यहाँ सारी एनर्जीज है, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है, तो सारे ही साइंस है यहाँ पे। तो आपके पास्ट में किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, जिसको आप बहुत चाहते थे उस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, और इस पर्सन को अभी भी आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है अपना प्यार उस तरीके से आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, साथ में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट टेक और तकलीफ दी है। तो अभी आप इस सिचुएशन में हील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। तो आप सिचुएशन में बहुत हिम्मत दिखा रहे हो, हील कर रहे हो, और एक नई तरीके से अपने लाइफ को शुरू करने जा रहे हो। आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हो अपने लाइफ में, और आपने ये पूरी तरीके से मन बना लिया है। आप एक हिम्मती पर्सन हो जो कि हार नहीं मानता है, और अभी सिचुएशन में बहुत टाइम तक आपने अपने आप को इस सिचुएशन से हील किया है, उसके बाद आपने अपने लाइफ का एक अब मेजर आप डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ आपके अंदर कुछ शुरुआत करने वाले हैं आप कुछ नया। साथ में यहाँ पर है एम्प्रेस और डेविल। तो डेविल जो है ये कार्ड विथ एम्प्रेस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके लाइफ में आने वाली है बहुत कंफर्ट्स आने वाली है, और काफी हैप्पीनेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि जो एम्प्रेस कार्ड है ये सारी चीज पॉजिटिव बताते हैं, फर्टिलिटी पॉजिटिविटी सब कुछ आने वाला है। पर आप उसे रोकिए मत, उसे आने दीजिए। मींस जो भी आपके लाइफ में अब नया कोई हो सकता है, आपके पास कोई नया ऑफर आए या कोई नया पर्सन ही है आए, क्योंकि पास्ट में आपको जिस पर्सन ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया है आप उसे हील होना शुरू हो चुके हो अभी, और फ्यूचर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है आपका। फिर भी ये जो डेविल कार्ड है ये भी बता रहा है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को हमेशा मिस करते रहेंगे, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। तो हम एक बार डेविल को जो है क्लैरिफाई करते हैं, डेविल कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज डेविल कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज डेविल कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर।
टू ऑफ कप्स। ओके, जैसे मैंने कहा कि आप अभी भी आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, आपके कहीं ना कहीं दिल में यही है कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापिस वापिस आ जाए। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही पर्सन वापिस आ जाए, अगर ये दोनों ही आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है ये पर्सन वापिस आ जाए, क्योंकि आप इस पर्सन से जो प्यार करते हैं वो बिल्कुल ही प्लेटोनिक लव है, आत्मिक। आपने अपनी तरफ से पूरी आत्मिक प्यार की थी, पर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ या हार्ट ब्रेक दिया, या फिर ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बिल्कुल ही इन्होंने बहुत तकलीफ दी आपको। साथ में हम देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्या नया ऑफर है। व्हाट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग हियर, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंटिंग हियर। तो आया है यहाँ नाइट ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा कुछ नया ऑफर आने वाला है, और ये ऑफर रिलेटेड टू लव हो सकता है। मीन्स कोई आपको प्यार, कोई आपको आपके लाइफ में बिल्कुल नया पर्सन आ सकता है, और ये पर्सन आपको प्यार ऑफर कर सकता है, आपको एक नई शुरुआत, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है, और जो है हो सकता है यही पर्सन आपके पास वापिस आए और अपना दोबारा आपसे माफी मांगे और आपसे इजहार करे अपना प्यार। और देखते हैं कि यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। व्हाट इज थ्री ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज थ्री ऑफ, इस पर्सन ने आपका दिल क्यों तोड़ा, ये देखते हैं। व्हाट इज थ्री ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंटिंग हियर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हो सकता है इस पर्सन जो आपके पर्सन हैं उनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, या फिर वो ऐसे मजबूरी में थे जहाँ कि उन्होंने आपको ऐसे हालत में छोड़ दिया, मीन्स आपको छोड़ दिया, बिल्कुल रिग्रेट है उन्हें इस बात का कि उन्होंने ऐसा किया है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ने के बाद भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं। ठीक है, और हम देखते हैं व्हाट इज एम्प्रेस कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर। डेफिनेटली एम्प्रेस आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर भी मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि एम्प्रेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस रीडिंग में। व्हाट इज एम्प्रेस रिप्रेजेंटिंग हियर, एम्प्रेस एम्प्रेस जो है नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। ओके, देखिए आपके अब जितने भी गम थे, जितने भी दुख थे, वो सब कुछ एंड होने वाले हैं आपके लाइफ में। बहुत ही मुझे यहाँ पॉजिटिविटी दिख रही है कि बहुत पॉजिटिव कुछ चेंजेस होने वाले हैं। आपके सारे जो तकलीफ हैं आपकी किस्मत में यही लिखा है, जितने आपने दुख सहे हैं उससे डबल आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपने आप जो रात भर इस पर्सन के लिए बहुत वरीड रहते थे, रोते रहते थे, वो सारी चीज़ें एंड होगी और सारी चीज़ें ठीक होते हुए यहाँ दिख रही है। हो सकता है इसी पर्सन से आपको नया कोई ऑफर मिले, नाइट ऑफ कप्स, और अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप में आप अभी भी हील कर रहे हैं अपने आप को, और आप कंप्लीटली हील कर भी लेंगे। फिर भी आपके लिए ये सिचुएशन है कि आपको हमेशा इस पर्सन के बारे में सोचते नहीं रहना है, और आप अपने लाइफ में बाकी चीज़ों में, बाकी जो आपके काम है लाइफ में उसमें आप ज़्यादा ही फोकस्ड करिए, जिससे आपके भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहे और सामने वाले को भी रियलाइज़ हो कि उसकी गलती क्या है। ठीक है, तो ये मुझे टैरो में तो बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छा सिचुएशन आने वाला है, आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने ग्रुप वन चूज किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है। प्लेफुलनेस, माई जॉय इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आई गिव टू अदर्स। ओके, तो आपको एंजल्स बोलना चाहते हैं कि आपको हमेशा प्लेफुल रहना चाहिए, मींस ऐसे नहीं कि उदास में अब बैठे हुए हैं। आप अपने लाइफ को, अब जो हमें ये लाइफ मिली है वो ही ग्रेटेस्ट जॉय है, क्योंकि जो हमारे पास है उन चीज़ों के लिए हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, जो हमारे पास है उन चीज़ों के लिए हमें हमेशा भगवान के सामने कृतज्ञ रहना चाहिए, और
लाइफ को जॉयफुली एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमेशा हम पुरानी चीज़ों को याद करें और दुखी रहें। हमारे लाइफ में बहुत सारे लाइफ पर्पस हैं, वो सारी चीज़ों में हमें ध्यान देना चाहिए। और देखते हैं और क्या है एंजल्स का मैसेज, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनकी किस्मत में क्या लिखा है। एडवेंचर और है विस्टम, और यहाँ पर है सरेंडर। ठीक है, तो ये जो है ये कार्ड्स बता रहे हैं एडवेंचर, विस्टम एंड सरेंडर। अब आपके लाइफ में बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस आने वाला है, कुछ नया होने वाला है। देखिए, वंडरफुल न्यू एक्सपीरियंस फिल माई लाइफ, तो कुछ नया आपके लाइफ में होने वाला है जो कि बहुत एडवेंचरस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नाइट ऑफ कप्स भी आया है। कुछ आपको नया ऑफर मिलेगा, आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा जो कि आपके आपको वो सारी खुशियाँ देगा जिसके आप हकदार हो। साथ में विजडम, आपके लाइफ में शायद ये जो पर्सन है, हो सकता है आपके एक्स हो जिनके ऑलरेडी मैरिड हो चुके होंगे, या उनके मैरिज कहीं और हो चुकी होगी, या इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी किसी थर्ड पर्सन के लिए आपको छोड़ दिया होगा। तो ये जो रिलेशनशिप था ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया था कि ट्रूली आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। ऑल आई ट्रूली नीड इज़ विद इन मी, आप अपने विस्टम में ज़्यादा ध्यान देंगे। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको ये जो लाइफ का एक्सपीरियंस है ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा, सिखाया है इनफैक्ट इन इस सिचुएशन ने आपको, क्योंकि पास्ट में आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफें थी और अब ये धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही है। सरेंडर जो है, सरेंडर कार्ड आया है, ऑल इज़ वेल आई सरेंडर टू इनर गाइडेंस। तो इनर गाइडेंस में आप सरेंडर करिए, आप यूनिवर्स पे सरेंडर करिए, जिस भी गॉड को मानते हैं उसके ऊपर सरेंडर करिए, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपकी जो रीडिंग देख के मैं यही लाइन बोल सकती हूँ कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा आपके वो भी अच्छे के लिए होगा। मीन्स यहाँ मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, और पाइल 1 की किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा समय आपके भाग्य में लिखा हुआ है। साथ में हम एक जो है स्पिरिट मैसेज लेते हैं, जो एंजल्स का है मैसेज, डायरेक्टली देखते हैं क्या है। ये कार्ड है द स्पिरिट मैसेज बाय जॉन होलैंड। देखते हैं स्पिरिट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आर्क एंजल्स, एंजल्स प्लीज प्रोवाइड मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1, उनके लिए क्या मैसेज है। तो हमारे पास यहाँ 2 कार्ड्स आए हैं, पहला है ग्रैटिट्यूड और सेकंड है एंसेस्ट्रल विजडम। देखिए दोनों ही सेम आए हैं जो मैं आपको बताई हूँ। ग्रैटिट्यूड, जो मैंने आपको अभी कहा कि आपके पास जो है, भगवान ने आपको जो दिया है, किस्मत ने आपको जो दिया है, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। आपसे आपके पास जो है शायद वो कोई दूसरा उसके लिए बहुत तरसता होगा, है ना। तो आपके पास भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। और एंसेस्ट्रल विस्टम जो कार्ड है कि आपके जो एंसेस्टर्स है, वो एंसेस्टर्स है जो गॉड है, वो सब आपको विस्टम दे रहे हैं आपके सोल को और एलिवेट, जिससे आप और भी अपने सोल एलिवेट कर पाओ। इसलिए ये इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ हुई, क्योंकि विस्टम का कार्ड हमें यहाँ 2 बार आया है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप आगे और भी पढ़ाई करें, या फिर आप अपने जो हो सकता है कि आप कुछ आगे की हायर स्टडीज करें, ऐसा भी यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं। साथ में हम रामा ओरेकल कार्ड से एक मैसेज लेंगे, लॉर्ड रामा का। हमें 2 कार्ड्स आए हैं इसमें, फर्स्ट है कल्टीवेटिंग वर्च्यू एंड ग्रेट गेन। अ पॉज इन रामा स्टोरी, द डिवाइन हीरोज आर लॉडेड एंड द बेनिफिट्स ऑफ लुकिंग टू देम फॉर गाइडेंस आर स्टार्टेड। तो ये कार्ड जो इंडिकेशन है इसका, वेरी ऑस्पिशियस, कुछ ऑस्पिशियस होने वाला है, और उसके बाद ए ग्रेट गेन, ऑस्पिशियस फॉर रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। आपके लाइफ में कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए इस ईयर,
और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ नई जॉब लग जाए आपकी, या फिर आप आगे की पढ़ाई जो है आपकी रुकी हुई है वो आप पूरी करो, और जो भी आपको तकलीफ थी वो मुझे यहाँ एंड होती हुई दिख रही है। तो ये रीडिंग जो थी उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, जिनके नाम का अक्षर BDHFHJLNPRTVX या Z से शुरू होता है। तो देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, पाइल 2 की किस्मत में क्या लिखा है, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है किस्मत में क्या लिखा है। तो पहला जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ क्लब्स, सेकंड है Jack of Spade, 9 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ हार्ट, 3 ऑफ स्पेड और Ace of Diamond। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीस कर्क वृश्चिक मीन और एरीस लियो और सेजिटेरियस है, मेष सिंह धनु और जेमिनी लिब्रा एक्यूरस है, मिथुन तुला और कुंभ और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर एस ऑफ डायमंड के साथ, वृषभ कन्या और मकर। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ की आप बहुत पूरे दिल से इस इंसान को बहुत चाहते थे और आपने अपना पूरा टाइम और अपना टाइम और सारा एनर्जी आपने इस पर्सन और इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपको आत्मिक प्यार भी इस पर्सन से था, मींस कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, और आप दोनों जो है हो सकता है रिलेशनशिप में भी थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इसी पर्सन से मैरिड थे, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में पर थे इस पर्सन के साथ, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में थे। तो ये दिख रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था आप लोग के बीच में पास्ट में, और आपके जो पर्सन है वो भी ऐसी सेम वे ही जैसे आप फील कर रहे थे वैसे ही सेम फील करते हैं, और आपके पर्सन भी ऐसे सेम फील करते हैं जैसे आप फील करते हो। मीन्स दोनों के जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल म्यूचुअल है, एक दूसरे के लिए बराबर आप दोनों के बीच में यहाँ पर प्यार था। और अगर ये पर्सन आपके एक्स हैं तो आप पास्ट में भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच थे और हमेशा आप इन्हीं से एक आत्मा का जुड़ाव फील करते हो जो आप और किसी से नहीं फील करते। पर इन प्रेजेंट अभी के जो मोमेंट में है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हो सकता है आपके लाइफ में ये जो पर्सन है आपके आप दोनों के जो सिचुएशन है उसमें ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। हो सकता है किसी का इंटरफ्रेंस हो, किसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के जो अच्छे रिलेशनशिप है उसमें आके कुछ प्रॉब्लम्स कर दी हो, या फिर आपके थर्ड पार्टी जो हो सकती है आपकी इस पर्सन के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो अभी जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो ये जो है अब आप यहाँ पर जैक ऑफ स्पेड से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हो, मीन्स आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील कर रहे हो, फिर भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि सिचुएशन को अपने चार्ज में लेते हो, आप हताश नहीं होते, चाहे आपके कितने भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो आप बहुत एक ऐसे पर्सन हैं जो कि आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो या फिर कहीं और मैरिड हो गए हो, जिसकी वजह से इन्होंने अब आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कम्युनिकेशन बहुत कम कर दिया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास हो। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि इन फ्यूचर यहाँ होप लग रहा है। ठीक है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये जो 9 ऑफ स्पेड है यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उदासी की तरफ देख रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि इस इंसान ने आपको बिल्कुल
लेफ्ट आउट कर दिया है, मीन्स आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो बहुत आपका दिल भी यहाँ टूटा हुआ है, हो सकता है आप किसी कार्मिक या आपका कोई कार्मिक डेप्ट हो सकता है, हो सकता है कोई पिछले जन्म का कोई कर्म हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये अभी पेन सहना पड़ रहा है इन प्रेजेंट सिचुएशन। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ये जो पेन है इसको कवर करता हुआ है, नाइन ऑफ स्पेड जो है पेन का कार्ड है उसको कवर करता हुआ है एस ऑफ डायमंड। तो एस ऑफ डायमंड बता रहा है कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है, हो सकता है इसी पर्सन से आपकी बिल्कुल नई शुरुआत हो, सब कुछ ठीक होते हुए मुझे यहाँ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें है एस ऑफ डायमंड। हो सकता है पास्ट में कुछ इस पर्सन ने डिसीजन लिया हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया हो, फिर भी यहाँ क्योंकि एट ऑफ हार्ट विद टू ऑफ क्लब से डेफिनेटली ये पर्सन अगर आपसे दूर भी हैं फिर भी इनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। आप जैसे इस पर्सन को प्यार करते हो ये पर्सन भी आपको वैसा ही प्यार करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर ऐसा नहीं है और ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी थर्ड पार्टी के लिए तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है फ्यूचर में इनको वो एहसास होगा और ये आगे आपको कुछ कम्युनिकेशन करेंगे या फिर कुछ नई शुरुआत आपके साथ करेंगे। तो और हम देखते हैं कि और अगर मैं करियर के बारे में बोलूं तो करियर में मुझे यहाँ दिख रहा है कि पास्ट में आप जिस भी पर्सन जहाँ पर भी वर्क कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे आपका अच्छा चल रहा था वर्क, पर अचानक से हो सकता है आपकी जॉब चली गई हो या फिर आपको किसी तरीके का लॉस हुआ हो बिजनेस में या पार्टनरशिप में, किसी दूसरे पर्सन की वजह से आपको लॉस हुआ हो या फिर आपके आपका जॉब चले गया हो और आप अभी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उदास हैं और आप बहुत ब्रोकन हार्ट है आपका, अभी बहुत दिल टूटा हुआ है सिचुएशन से। पर एस ऑफ डायमंड इन लव रीडिंग एज वेल एज इन करियर रीडिंग दोनों में ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ नया आपको फ्रेश स्टार्ट मिलेगा, हो सकता है कुछ नई जॉब मिले या कुछ आपको ऑफर मिले, ऑफर लेटर मिले या आप ट्राई करते रहिए आपको ज़रूर मिलेगा। ये दोनों के लिए है लव रीडिंग और करियर रीडिंग, क्योंकि इसके लिए अलग कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंजल्स से जो मैसेज है वो मैं आपको रीड करके सेम ही कार्ड्स में आ जाते हैं। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, सॉरी ग्रुप 2 चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है। जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है, टू चूज किया है उनकी किस्मत में क्या लिखा है। पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, मैजिशियन और है स्ट्रेंथ। तो यहाँ सारी ही एनर्जीज है तो मैं एनर्जीज आपको अलग से नहीं बता रही हूँ। लियो है, पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और सारे ही साइंस है यहाँ पे। तो आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा जैक ऑफ स्पेड से आप बहुत हिम्मती पर्सन हो, आप हार नहीं मानते हो, आप में बहुत सारे स्किल्स हैं तो आपको ये स्किल्स अपना और अच्छा करना है। हो सकता है आप कोई इंट्यूटिव वर्क कर रहे हो सकता है आप हीलिंग का काम करते हो, आप रेकी का काम करते हो, जो भी है अगर आप ये नहीं करते हो ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोफेशन में ही हो सकता है आप जिस भी प्रोफेशन में हो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अचानक से चेंजेस आएंगे या अचानक से कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा। ये आपके विल पावर और आपके आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसकी वजह से होगा, ठीक है। पर आपको एक चीज़ मुझे ध्यान आपको ये रखना है कि किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करने के पहले आपको सोच समझ के फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, ये मुझे एडवाइस ऐसे आ रही है एंजल से। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स,
जो आपने इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट किया है, आप इस पर्सन के बारे में बहुत समय से वेट कर रहे हो कि इनके तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कोई लेटर आ जाए, मीन्स आप वेट कर रहे हो, पर इस पर्सन ने, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन के दिल में भी वही प्यार है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, पर हो सकता है कि इस पर्सन ने तब आपको, आपने शायद इस पर्सन को कुछ ऑफर दिया हो, पर इन्होंने तब वो एक्सेप्ट नहीं किया हो, और आपके पास खुद भी ऐसा हो सकता है कि काफी ऑफर्स आते हैं, हो सकता है आपको प्रपोजल्स मिलते हो, पर आपको ये जो है, ये जो पर्सन है, इनको कप ऑफर किया जा रहा है, पर इनका ध्यान इन 3 कप में है। हो सकता है आप अपने किसी पास रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा स्टक्ड हो, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड है, ये बता रहा है कि आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, स्ट्रेंथ रखनी चाहिए अपने अंदर, और जो भी आपको, अगर कोई ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके पास नहीं आ सकते, तो फिर आपको आगे अपने लाइफ के बारे में जो नया ऑफर मिल रहा है उसे करेजली एक्सेप्ट करना चाहिए, और मुश्किलों से लड़ने की आपको अपने अंदर हिम्मत लानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर है जो हाई प्रिस्टेस और जो मैजिशियन है, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करे, क्योंकि 2 मेजर आर्काना, यहाँ 3 मेजर आर्काना आए हैं, ऊपर से मिडिल ऑफ द लाइन में भी 2 आए हैं, तो आपके लाइफ में कुछ बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं जो कि बहुत मैजिकल होंगे। हो सकता है आप मैनिफेस्ट करे हो बहुत टाइम से, और वो सारी चीज़ें फ्रूटफुल हो जाएगी। और ये भी हम कुछ क्लैरिफाई करते हैं जिससे हमें और रीडिंग क्लियर हो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये 4 ऑफ कप्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर एंजल्स, व्हाट इज 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर। फोर ऑफ कप्स इज मून, ठीक है, तो ये जो 4 ऑफ कप्स है ये मून से क्लैरिफाई हुआ है, तो ये बता रहा है कि कुछ हो सकता है ये जो रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ, ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आप, ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बहुत उदास हो चुके हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करे, कॉल करे, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, तो अभी आपको एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपको स्ट्रेंथ रखना चाहिए, कुछ मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो देखते हैं कि पेज ऑफ, व्हाट इज पेज ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज पेज ऑफ कप्स रिप्रेजेंटिंग हियर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आप इस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, किसी मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो, और आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल अपने टाइटली आपने इसे पकड़ा हुआ है, मीन्स आप सिचुएशन में कोई भी अभी चेंजेस नहीं कर रहे थे, पास्ट की जो ये लाइन है उसमें ये मुझे नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा वेटिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा यहाँ स्टक एनर्जीज है। तो देखते हैं मैजिशियन कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैजिक होने वाला है, व्हाट इज मैजिशियन कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज मैजिशियन कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज मैजिशियन कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर। 7 ऑफ कप्स, ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स मैजिशियन को कवर कर रहा है, 7 ऑफ कप्स, तो ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कई सारे ऑप्शंस हैं अभी भी, मीन्स हो सकता है आप अपने करियर में और आगे अच्छे तरीके से जा सकते हो, और बाकी आपके पास, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तब भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इन फ्यूचर आएंगे, अगर आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलोगे, ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो कन्फ्यूजन हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे, और साथ में आपको कई और भी ऑफर्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। व्हाट इज स्ट्रेंथ कार्ड रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटिंग हियर, व्हाट इज स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटिंग हियर। ठीक है, स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आप मेरे ख्याल से इस
जो रिश्ता है, ये जो आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता है, उसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आपको ये मैसेज है कि अगर आप चाहते हो आपके किस्मत में सारी अच्छी चीजें आए, तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी से मीन्स आप इस पर्सन के पीछे, आप इस पर्सन के लिए इतना वेट मत करिए। आप अपने लाइफ में करेज दिखाइए, स्ट्रेंथ दिखाइए, आगे बढ़िए, अपना विल पावर बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप विल पावर रखिए, और आप इस पर्सन से आप मतलब विक्टिम मेंटेलिटी मत रखिए। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि विक्टिम मेंटेलिटी मत रखिए, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। आप जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के मैसेज का वेट कर रहे हैं, बहुत आप उनके लिए उदास हो रहे हैं, तो आपके दिल में ये पता है कि ये पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, पर इनके लाइफ में कुछ ऐसे मजबूरी है जिसकी वजह से वो छुपा रहे हैं उन चीज़ों को। क्योंकि यहाँ देखिए फोर ऑफ कप्स को ये कवर कर रहा है ना मून, तो ये बता रहा है कि ये पर्सन इसलिए आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करे क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, जो हिडन प्रॉब्लम्स है, जो कि ये आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए और अपने अंदर वो करेज लाइए। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं है, आप दोनों ही मैरिड नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कुछ ठीक होने वाली है। हो सकता है इस पर्सन का आपको कोई इनके इनकी आपको कोई खबर मिले, कोई मैसेज या लेटर इस पर्सन से मिले। और देखते हैं और क्या आपकी किस्मत में लिखा है। जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनकी किस्मत में और क्या लिखा है। पहला कार्ड आया है ग्रेटिट्यूड, जो ग्रुप वन में भी यही आया था ग्रेटिट्यूड, और ग्रुप टू क्या किस्मत में लिखा है। सेकंड कार्ड आया है पीस, और थर्ड है हमें रेडियंस। तो ये कार्ड बता रहे हैं ग्रेटिट्यूड, तो आपके पास जो है उन चीजों के लिए आप थैंकफुल होइए गॉड के सामने। और साथ में आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप बहुत ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। मींस हो सकता है अगर ये पर्सन अगर आपको धोखा दे रहे हो, तो हो सकता है आपको सही टाइम में इस सीक्रेट का पता चल गया, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ का मेजर डिसीजन आपने सही वक्त पे आपने चेंज किया। हो सकता है ऐसा है जिसकी वजह से आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। साथ में आपके किस्मत में ये भी लिखा है कि कुछ पीसफुल मोमेंट आने वाला है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा थैंक बोलेंगे। और रेडियंस, आई एम ए रेडियंट रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड लाइट, तो आपके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स का लाइट है आपके ऊपर। रेडियंस जो कार्ड है ये बता रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स लाइट मीन्स गॉड की दृष्टि आपके ऊपर है, तो आपके लाइफ में क्यों कुछ बुरा होगा, सब कुछ ठीक होगा। और देखते हैं स्पिरिट मैसेजेस क्या हैं जिन्होंने ग्रुप टू चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स, आर्क एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स का। हमें यहाँ दो कार्ड आए हैं, फाइंड योर सेंटर एंड लिसन। फाइंड योर सेंटर, योर आउटसाइड वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन एंड ए मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड यू एट दिस टाइम। When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, then this is an ideal moment to stop and ask, when was the last time I checked in within myself? ठीक है, तो ये बता रहे हैं कार्ड, आर्क एंजल्स और स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अंदर की तरफ झांकिए, क्योंकि बाहर जो आपके लाइफ में हो रहा है बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आप फील कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों के बारे में कुछ टाइम के लिए अपने अंदर, अपने सेंटर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपके लाइफ में क्या ज़रूरत है, और आगे उन चीज़ों में सेंटर करिए। मीन्स आप, हो सकता है आप मेडिटेट करिए, आप गॉड को प्रे करिए, ये सारी चीज़ें अपने अंदर वो शांति आप ढूंढिए, ये आपको एंजल्स और आर्क एंजल्स बोलना चाहते हैं। लिसन, यू हैव टू बी विलिंग टू लिसन इफ यू वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड समवन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया था, ये बता रहा है कि आपके पर्सन इंट्यूटिवली
या फिर टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं. यू हैव टू बी विलिंग टू लिसन इफ यू वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड समवन. नाउ इज नॉट द टाइम टू बी ऑफरिंग एडवाइस बट टू बी अ कंपैशनेट लिसनर. टू लिसन फुली एंड इंटेंटली मीन्स टू पे अटेंशन नॉट टू जस्ट वॉट बींग सेड बट वॉट लाइज बीनीथ द वर्ड्स. ठीक है, तो आपको कोई सलाह देता है अच्छी सलाह, तो उसे आप मानिए और उसे अपनी लाइफ में उतारिए. जैसे मैंने आपको कहा कि आपको मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली उसे करने की कोशिश करिए, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में ठीक होने लगेंगी. तो देखते हैं हम लॉर्ड रामा ओरेकल कार्ड से आपके लिए, लॉर्ड रामा है उनके लिए क्या संदेश है लॉर्ड रामा. हार्ट ऑफ द ओरेकल वेरी ऑस्पिशियस और सेकेंड है प्रॉस्पेरिटी. दोज हु फॉलो धर्मा फ्लरिश इन द एंड, दोज हु फॉलो ईगो फॉल. तो ये दो कार्ड्स आए हैं. तो आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जो कि जब आप धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे. दोज हु फॉलो धर्मा फ्लरिश इन द एंड एंड दोज हु फॉलो ईगो फॉल. तो जो भी है आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी. और साथ में ये जो कार्ड है हार्ट ऑफ द ओरेकल कार्ड आया है और काम विद इन द स्टॉर्म मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उसके बाद पीस आने वाला है. आपकी किस्मत में तो यही लिखा है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी अब वो ख़त्म होगी और पीस आएगी. चाहे वो आपका करियर हो चाहे आपका जो है लव लाइफ हो, दोनों ही सिचुएशन में आप बहुत पीसफुल फील करेंगे. सिर्फ आप गॉड पे सरेंडर कर दीजिए और जो आपको मिला है उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करिए. जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है. तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.